नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। आज हम देखने वाले हैं जंगल राज से जुड़ी 23 नवंबर की कुछ ताजा खबरें। महिला अपराध से जुड़ी यह खबरें हैं। आगरा की 9वीं क्लास में पढ़ने वाली विद्यार्थी है, वह अपने साथ पढ़ने वाले मित्र के घर जाती है। वहीं से उसे कुछ नोट्स कलेक्ट करना होता है, तभी घर में कोई नहीं रहता। इसी मौके का फायदा उठाकर मित्र अपने कुछ दोस्तों के साथ लड़की का रेप करता है। जैसे तैसे करके लड़की वहां से अपनी जान बचाकर घर लौटती है और अपने परिवारजन को अपने पर बीती आप बीती बताती है। परिवार वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। परिवार वाले 112 नंबर पर कॉल भी करते हैं। पुलिस आ तो जाती है, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। इसके बाद यह मामला आला अधिकारियों के नोटिस में जाता है, तब जाकर करीब 15 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज होती है। यह खबर आगरा के सदर थाने की है। दूसरी खबर यह है कि छेड़छाड़ करने के आरोप में कुल्हाड़ी से काटकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लखनऊ के मोहनलालगंज के इस इलाके की भवानी खेड़ा की यह घटना है। एक लड़की जा रही होती है, तभी एक मुस्ताक नाम का शख्स उसके साथ में छेड़छाड़ करता है। वह एक ट्रक ड्राइवर है। लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के बाद लड़की जब घर पर जाती है और अपनी माँ से मुस्ताक ने किए छेड़छाड़ पर बात करती है, तभी उसकी माँ मुस्ताक को डांटती है, लेकिन मुस्ताक उनको लेकर भी अश्लील टिप्पणियां कर देता है। तभी इस महिलाओं के दो बेटे से यह गवारा नहीं होता, फिर वो अपने घर से कुल्हाड़ी लाकर मुस्ताक को मौत के घाट उतार देते हैं। और मुस्ताक उसके बाद थाने पहुंचकर बताते हैं कि मुस्ताक ने हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ किया और माँ के साथ भी अश्लील टिप्पणियां की, इसीलिए हमने उसकी हत्या कर दी। दोनों लड़कों के साथ लड़की और माँ को हिरासत में लिया गया। मुश्ताक तो अपनी जान गवा ही बैठा, लेकिन दूसरे परिवार के चार लोग भी अभी जेल में हैं। इससे निकम्मापन किसका दिखा? वो तो लोगों में अगर पुलिस के प्रति विश्वास बहाल हो, कानून का इकबाल बुलंद होगा, तो ऐसी हत्याएं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पता है ना पुलिस क्या करेंगी? हम रिपोर्ट लिखवाएंगे, पुलिस आरोपी को पकड़ेंगे, हिरासत में लें और फिर छोड़ देंगे। उसके बाद आरोपी खुली सांड के जैसे घूमेंगे और फिर ऐसी हरकत करेंगे। यह पुलिस के चरित्र पर बड़ा सवाल है। यही से पता चलता है कि भोपू मीडिया के दलाल जो खबरें आप तक नहीं पहुंचाते हैं, कुछ ऐसे ही खबरें हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको अगर हमारी खबरें पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर जरूर बताइए।